जैसे कि देख पा रहे हैं मेरा पास होंडा साइन बाइक है। इस बाइक में क्या खराबी है गाइस आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये छोटा सा टिप्स रिपेयरिंग के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि गाइस हर आदमी के पास बहुत मेहनत से पैसा आता है, थोड़ा बहुत कस्टमर को भी बचा सकते हैं, तो आपको भी बहुत भला होगा। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये सेल्फ स्विच काम नहीं करते हैं बराबर, देखो गाइस ये दबाने से ये अंदर का ओर चला जाता है। अब आपको दिखाने वाला हूँ, देख सकते हैं ऐसे दबाने के बाद ये वापस आना मांगता है, लेकिन ये आ नहीं रहा है। देखो अभी खींचने के बाद आएगा, ये देख सकते हैं। इसी को कैसे रिपेयर करने का उसका बारे में आपको जानकारी मिलेगा। जैसे देख सकते हैं इसमें एक स्क्रू बोल्ट है, इसको कुछ इस प्रकार से निकालने का, इसको निकाल दिया है। आप देख सकते हैं इधर से ऐसे पुश करेगा तो ये बाहर कर आएगा, थोड़ा बहुत इसको ढीला करना पड़ेगा। देख सकते हैं ये बाहर आ चुका है। अब आपको कुछ नहीं करने का, सिर्फ ये जो पिन है इसको नॉर्मली ऐसे हल्का सा पुश कर लेने का, ऐसे दबा देने का। ये हाइड हो गया, इसका वजह से ये स्विच जाम चल रहे है, देख सकते हैं। अब आपको ऐसे नॉर्मली इसको लगा देने का, देख सकते हैं हमने इसको बिठा दिया बराबर करके, ये बैठ चुका है। अब आपको दिखाने वाला, देख सकते हैं गाइस ये देखो बराबर काम कर रहे है। अब आपको इधर ऐसे लगा देने का, देख सकते हैं हमने, देख सकते हैं अभी बराबर काम कर रहे हैं। नॉर्मली ये बोल्ट को ऐसे लगा देने का, देख सकते हैं हमने बोल्ट को लगा दिया। अभी देखो गाइस बराबर काम कर रहे हैं, देखो ज़रा सा भी जाम नहीं है। इसी तरह टेक्निकल वीडियो आपको मिलता रहेगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, जो भाई वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।